जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे, और मैं हूं ऋषभ। तो सेट नंबर 6 है, इससे पहले मैं 1 से लेकर 5 तक सेट बना रखा है, आप उसे ज़रूर जाकर देखना। जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा मिल भी रहा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आप इस वीडियो को देखो तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठो, क्योंकि मैं जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा उसे लिखना ज़रूरी है। और जो मेरे कंटिन्यू व्यूवर्स हैं जो लगातार मुझे देख रहे हैं शुरू से, उनको मैं कह रखा हूँ कि एक नोटबुक आप बना कर रखो। तो उस नोटबुक को खोलने का वक्त आ गया है, आप इस वीडियो के बाद उसे रिवाइज़ ज़रूर कर लेना, जो मैं पिछले 1 से लेकर के 5 वीडियो तक करवा रखा है। अंत में यही कहूँगा कि आपसे कि इस वीडियो पर कम से कम आप 25 लाइक्स ज़रूर दिलवाना। अब कैसे आएगा मैं बताता हूँ, आप 8-10 लोग देख रहे हो कोई बात नहीं, वो 8-9 लाइक आ जा रहे हैं, मैं इसके लिए आपको थैंक यू कहूँगा, अप्रिशिएट भी करूँगा। अब एक लोग क्या करेगा, 2 लोग के पास शेयर करेगा। देखो शेयर वही करना जो एनडीए का तैयारी कर रहा है, वो एयरफोर्स का भी तैयारी कर रहा होगा, डेडिकेटली उसको भी मत करना क्योंकि उसके लिए वीडियो कोई काम का नहीं है। हाँ, उसको चैनल के बारे में ज़रूर बता सकते हो। अब आप क्या करना, अगर एक बच्चा 2 के पास शेयर करेगा तो हमारे पास अगर 15-20 व्यूज़ आ रहे हैं तो सीधे वो ट्रिपल हो जाएंगे, यानी कि लगभग 60-70 व्यूज़ आ जाएंगे। मैं इतना ही तो आपसे मांग रहा हूँ, और वो भी कहीं लाइक करके आगे शेयर करता है तो ऐसे हमारा सफ़र जो है, कारवा जो है शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं अलॉन्ग विथ हर्ष सर, उत्कर्ष सर बोलो उनको, मैं जितना मैं हम लोग करके आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं वह काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि इतने छोटे वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स उसको आधा आधा घंटा लेते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन से पहले देख लो, इट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ, और मैंने इन सभी एग्जाम को क्वालिफाई किया है जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ। चलो, राइट नाउ आई एम वर्किंग इन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। पहला क्वेश्चन क्या है, मिज़ोरम के बारे में। देखो मिज़ोरम, इससे पहले मैंने अफगानिस्तान के बारे में और इज़राइल के बारे में क्वेश्चन करवाया था, शायद सेट 1 और 3 में हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इज़राइल और अफगानिस्तान अभी काफ़ी न्यूज़ में है, और इंडियन स्टेट मिज़ोरम भी काफ़ी न्यूज़ में है। तो UPSC कई बार क्या करता है कि एक जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब जो अभी हाल फिलहाल में जो अभी कंट्री न्यूज़ में है, जो स्टेट न्यूज़ में है, जो जगह न्यूज़ में है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मिज़ोरम के बारे में क्या है कि इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार एंड बांग्लादेश। बिल्कुल सही है, मिज़ोरम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन हमारे 3 स्टेट्स जैसे कि मणिपुर, असम और त्रिपुरा के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है कि मिज़ोरम का लिटरेसी रेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट का चार्ट देखोगे, सबसे पहले आएगा केरला, केरला के बाद आएगा लक्षद्वीप, और उसके बाद आएगा मिज़ोरम। तो नॉर्थ ईस्टर्न में मिज़ोरम सबसे ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जानते हो कौन से हैं, हमारे पास 7 सिस्टर्स स्टेट जो हैं, 7 सिस्टर्स को नॉर्थ ईस्टर्न कई बार बोल लिया जाता है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और एक मेघालय, 7 हो गए। अगला स्टेटमेंट क्या है कि मिज़ोरम जो है वो भारतीय संविधान संशोधन 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 1972 में एक राज्य बना। बिल्कुल सही है कि 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक राज्य तो बना, लेकिन 1972 में नहीं, 1987 में मिज़ोरम। देखो मिज़ोरम क्या था, आज़ादी के समय नॉर्थ ईस्ट जो था वो पूरा एक असम के अंदर ही रूल किया जाता था उसे, अंग्रेज़ों के समय से ही। तो 1963 में मैंने क्वेश्चन कहा रखा है, नागालैंड को हम स्टेट बनाया पहले, 1972 में हमने 3 स्टेट बनाया, एक था मणिपुर, एक था त्रिपुरा और एक था मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय, हम 3 राज्य बनाया। लेकिन उस साल हमने 2 UT ही बना दिया, एक UT जब 1972 में बना था वह था अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा UT हमारे पास उस समय था वह था मिज़ोरम। लेकिन 1987 में आकर हमने इस UT को स्टेट में बदला और हमारा वह स्टेट बन गया। किस संविधान संशोधन से, तो 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। तो पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है क्योंकि 1987 होना चाहिए, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, तो ये सही हो गया। आगे देखते हैं, देखो ये ट्राइब्स के बारे में क्वेश्चन है, ट्राइब्स के बारे में जानते हो, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, हो सकता है कोड के फॉर्म में आ जाए या इस फॉर्म में आ जाए, ये भी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा UPSC ने NDA के एग्जाम में पीछे प्रीवियसली पूछ रखा है। तो देखो इधर स्टेट है, इधर क्या है उस स्टेट के ट्राइब्स के कुछ नाम हैं,
तो झारखंड में संथाल, बिल्कुल सही, झारखंड में संथाल के अलावा मुंडा, जैसे बिरसा मुंडा के बारे में आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में भील, गौंड, गुज्जर, राजस्थान में बकरवाल और बिहार में थारू। देखो इसमें गलत पूछ रहे हैं हमसे, तो बकरवाल जो है वो राजस्थान में ना होकर जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि सी इसको हम टिक करेंगे क्योंकि यही गलत है। बिहार में थारू होता है जनरली वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण के जंगलों में, ये थारू जनजाति, और कुछ उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल वाले इलाके हैं, जो तराई रीजन बोलते हैं, तराई रीजन क्या होता है, जो फ्लैट रीजन है नेपाल के साथ लगता हुआ, जो एक प्लेन है गंगेटिक प्लेन, उसे तराई बोलते हैं, तो वहाँ पर थारू जनजाति मिल जाएंगी। देखो ये क्वेश्चन इतना से कम्प्लीट आपका नहीं होगा, आप एक हेडिंग देना अपने बुक में लिखना या नोटबुक में लिखना, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ट्राइब्स लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे, आप लोग ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो ये वीडियो देखोगे, ये देखो ट्राइब्स ऑफ इंडिया मैंने वीडियो बना रखा है, एक साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना एक साल पहले था। 13 मिनट का वीडियो है, इसमें आप जाकर 10-12 मिनट देखोगे, आप एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने राज्यवर मतलब कि स्टेट वाइज मैंने कंप्लीट कराया है, मेरा मानना है कि हमें और जीके पर कमांड करना है तो हमें स्टेट वाइज ही पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी जो पीछे क्वेश्चन कराया, इससे आप कुछ होने जाने को नहीं है, मैंने एक यहाँ मॉडल दिया, लेकिन इनको पढ़ने का तरीका कैसे है, जैसे आपने लिख लिया बिहार, अब बिहार में जितने जनजाति है उसे लिख लो, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो झारखंड, झारखंड में जितने ट्राइब्स है उसे लिख लो। इसी तरह से आप टेक्निक फॉलो कर सकते हो, अगर आपको लिखना रहे कि नेशनल पार्क और नेशनल बर्ड, नेशनल सेंचुरी जो भी होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसके बारे में भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपने कर्नाटका लिखा तो कर्नाटका में जितने हैं उसे नोट डाउन कर लो। अगला पॉइंट में जब आप लिखोगे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में जितने हैं उसे नोट डाउन कर लो। ऊपर हेडिंग लिखना ब्लैक पेन से तमिलनाडु या जो भी पेन से, उसके साथ पूरा उस तमिलनाडु के जितने भी आपके पास अगर नेशनल पार्क मिल रहे हैं वो लिख लेना। नेशनल पार्क का भी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, अगर आपका डिमांड रहा तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन आप प्लीज़ इस ट्राइब वाले वीडियो को देख लेना। वीडियो देखने के लिए क्या करोगे, इस आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, और इस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे वीडियो के पास पहुंच जाओगे, ठीक है। ये वीडियो ज़रूर देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ नामडाफा नेशनल पार्क लोकेटेड। नामडाफा, एक मैंने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नेशनल पार्क से दिया, मैं हर दिन एक अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन करवाता हूँ, तो एक नेशनल पार्क से मैंने क्वेश्चन उठाया है, नामडाफा कहाँ पर है, तो बिल्कुल आसान है, अरुणाचल प्रदेश। इसमें कोई लॉजिक नहीं लग सकता है, अगर आपने याद कर रखा है तो आप कर लोगे। अब देखो मैं इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि देने के लिए बहुत कुछ है, अगर हर के लिए बताना चलो तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, हर स्टेट के बारे में बताऊं, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूं। अगर आपका कमेंट आया, आपका रिस्पॉन्स आया, तो मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, और मैं जैसे जिस टेक्निक के साथ मैं याद किया हूं, आप भी उसी टेक्निक को फॉलो करना, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। दिक्कत क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बच्चे उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और नहीं नंबर निकल पाता तो दिक्कत की बात है। तो कहीं ना कहीं ये आपके मेहनत में कमी नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी में कमी है, तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा अलग करना होगा, और जब मैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, कम से कम उतना रिजल्ट मिल जाएगा कि जितना आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि आप जिस तरह से कर रहे हो, जैसे मान लिया कि आपने नदी के बारे में पढ़ लिया पूरा, रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, या आपने हिमालय के बारे में पढ़ लिया, लेकिन पढ़ तो लिया ठीक है, मेहनत भी किया, लेकिन अब हिमालय से क्वेश्चन आया तो भाई बनना चाहिए ना, तो ये नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक तो मैंने समझाया ना कि स्टेट वाइज पढ़ो। अगर क्वेश्चन स्टेट वाइज आ रहे हैं, पूछ रहा है कि यह नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो आप स्टेट वाइज ही पढ़ो। आगे आते हैं, व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन बिमस्टेक। बिमस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपके बारे में, सार्क के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, SCO के बारे में, ठीक है, इसके अलावा नॉर्दर्न अलायंस के बारे में, G20, G5, G8, G7, इन सभी के बारे में, इसके अलावा जो भी अफ्रीकन यूनियन है, उसके बाद OPEC है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमनवेल्थ है, इन सभी के बारे में मैं हर एक वीडियो में एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कवर कर दूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो रिटर्न में फ़ायदा होगा, और इंटरव्यू में अगर NDA की तैयारी कर रहा है तो सिर्फ आपको रिटर्न थोड़ी निकालना है, इंटरव्यू तो निकालना है ना, तो वहाँ भी फ़ायदा आपको होगा, या कल को कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ फ़ायदा होगा। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिमस्टेक, सार, क्योंकि इंडिया दोनों का मेंबर है। इसका पूछ रहा है कि बिमस्टेक में एम जो है, एम का मतलब क्या होता है, तो इसका मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, आप लिख भी लेना। बी से होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल
इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एम का मतलब क्या है, मल्टी सेक्टरल, तो मल्टी सेक्टरल यहाँ पे है। देखो बिम्स्टेक में क्या है ना, सात कंट्रीज इसके मेंबर हैं, सात कंट्रीज मेंबर है इस बिम्स्टेक के, और सात जो कंट्री मेंबर है तो इसे कौन हो जाएगा मेंबर, इंडिया ऑब्वियसली है, यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। इसके बारे में आप यहाँ पे देख लो, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, मतलब कि जो भी बे ऑफ बंगाल के आसपास के देश हैं इसके मेंबर हैं। ध्यान देना है कि बिम्स्टेक हाल ही में इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके दो जो मेंबर हैं, मतलब दो कंट्रीज इसके हैं, जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के दो कंट्रीज जैसे म्यांमार और थाईलैंड, यह बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं और नीचे जो कंट्री दिख रहा है ये सब आसियान के मेंबर हैं, मतलब ये दोनों कंट्री जो म्यूचुअल ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं बिम्स्टेक में भी और आसियान में। तो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया को कल को कोई भी अगर अपना आइडिया भेजना है अगर आसियान के लिए तो इन दोनों कंट्री के साथ वह भेज सकते हैं क्योंकि ये म्यूचुअल कंट्री हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, और मैंने जैसे बताया आसियान के बारे में, सार्क के बारे में, G20 के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, SCO के बारे में, मैं सभी के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करते हो तो। मैं इतना बोल रहा हूँ लेकिन आपका भी कमेंट चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए, एक बंदा दो के पास शेयर ज़रूर करेगा। आगे देखते हैं, देखो ये रिवर के बारे में क्वेश्चन है, इससे पहले मैं गंगा के बारे में, ब्रह्मपुत्रा के बारे में, इंडस के बारे में, तीन नदी के बारे में क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन कर रखा है, आज हमारा क्वेश्चन नर्मदा के बारे में। तो नर्मदा के बारे में आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। नर्मदा जो है सो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पास है अमरकंटक, वहीं से निकलता है नर्मदा या निकलती है, नदी को हम निकलती बोल सकते हैं। इसके अलावा तापी, नर्मदा, कावेरी, माही और पेरियार, ये जो नदियाँ हैं वो पश्चिम की तरफ बढ़ती है, जैसे इंडिया का मैप है देखो क्या है, पश्चिम की तरफ बहने का क्या मतलब है, इधर क्या है ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो जितनी नदियाँ हैं हमारे, गंगा यहाँ से आया, ब्रह्मपुत्रा यहाँ से आया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस सब ईस्ट की तरफ है, पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। कुछ नदियाँ जो हैं वो पश्चिम की तरफ बहती हैं, जैसे नर्मदा, तापी, माहे, साबरमती, पेरियार, सभी नदियाँ वेस्ट की तरफ बहती, बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन इसमें कावेरी छुपा रखा है। कावेरी जो है वो कर्नाटक से निकल करके कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की तरफ बहते हुए बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये ईस्ट फ्लोइंग हो गया। तो दूसरा ऑप्शन कावेरी के आने से गलत हो गया, समझ में आ रहा है, दूसरा ऑप्शन कावेरी के आने से गलत हो गया। तीसरे क्वेश्चन पर देखते हैं कि जो रिवर नर्मदा है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहकर अरब के सागर में जाती है, अरेबियन सी में जाती है, तो बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा ही स्टेटमेंट सही है, तो यानी कि डी इसका सही हो जाएगा। ध्यान देना है हर एक वर्ड पे, यहाँ पे कावेरी के चलते पूरा आंसर चेंज हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नर्मदा यहाँ पे है, आप देखना तापी यहाँ पे है, साबरमती, माही, इसके अलावा देखो कावेरी देखो इधर इधर जा रहा है ना, पेरियार रिवर जो केरला में है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ दिया गया है। आगे देखते हैं, मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, पिछले दिन का क्वेश्चन है और मुकेश कुमार ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कि कैस्पियन सी के साथ कितने कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं, उन्होंने पांच बताया था और बिल्कुल पांच ही आंसर है, कजाकिस्तान, रशिया दो हो गए, अजरबैजान तीन, ईरान चार और तुर्कमेनिस्तान पांच। तो पांच कंट्री इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो आपको आज कमेंट करना है जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा, जो बिम्स्टेक के बारे में क्वेश्चन पूछा वो करके बताना कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी और बिम्स्टेक के कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स तो मैंने बता दिया और किस ईयर में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आज आपको बताना है, क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि सेनकाकू आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड और परासल आइलैंड, सेनकाकू आइलैंड, फिर सुनो, सेनकाकू आइलैंड, परासल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, ये किस ओशियन के पार्ट हैं, किस ओशियन के पार्ट हैं। ऑप्शन है पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्टिक, बहुत न्यूज़ में रहता है चारों ओशियंस क्योंकि यहाँ पे चाइना कब्जा करना चाहता है, देखो मैंने हिंट्स भी दे दिया चाइना के चलते। तो आप इसका जवाब देना, वीडियो को दो लोगों के पास शेयर करना, तब तक के लिए जय हिंद।